हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूज़फुल और एक काम की वीडियो। यानी आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे ढेर सारे किचन में काम करने के ऐसे टिप्स और ऐसे कुछ हैक्स जिससे आपके डेली खर्चों में होगी बचत, और साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी जानकारी कि गैस सिलेंडर जल्दी से खाली ना हो उसके लिए आपको कौन से तरीके आजमाने चाहिए। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पहला तरीका हमारा यहाँ पर है स्टिक को लेकर। अच्छा, इस तरीके की स्टिक तो हम सभी ने देखी है और यूज़ भी की है। कईयों के घरों में ना यूज़ भी होती है और ऐसी पड़ी रहती है बेकार। अगर आपके पास भी इस तरीके की आइसक्रीम खाने वाली स्टिक है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं घर के कामकाज में। तो किस तरीके से यूज़ करना है, सबसे पहले आपको लकड़ी की स्टिक लेनी है। इस पर आप न्यूज़पेपर लपेट दीजिए। न्यूज़पेपर नहीं है तो आप यहाँ पर टिश्यू पेपर ले सकते हैं, कोई भी रबर बैंड लगा दीजिए। अब आपको करना ये है कि आपके पास विनेगर है तो विनेगर ले लीजिए। अगर विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पर थिनर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विनेगर डाल रही हूँ उसके ऊपर, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, बस कागज़ को गीला करना है। अब थोड़ा सा आपको लगाना है कोलगेट का पेस्ट, दोनों तरफ से लगा लीजिए, आगे से भी और पीछे से। अब इसका यूज़ आपको घर में कैसे करना है, बहुत ज़रूरी यूज़ है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, आपके बेहद काम आएगा। दोस्तों, जब कभी भी बिजली के बोर्ड गंदे हो जाते हैं तो हमें ना इनको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, लगता है कहीं करंट हमें ना लग जाए। तो इसे साफ़ करने की ना गलती हम बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि हम किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं, इससे आपको किसी गीले कपड़े का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको लकड़ी की स्टिक लेनी है, एक बात का ध्यान रखिएगा, इसकी जगह पे कोई स्पून यूज़ नहीं करनी है आपको, सिर्फ लकड़ी का ही आपको यूज़ करना है। थोड़ा सा आपको कागज लेना है और थोड़ा टिश्यू पेपर या फिर कुछ भी आपके पास हो, दोनों में से कोई भी चीज़ ले लीजिए, और उसके बाद आपको ना कोलगेट का पेस्ट लगाकर इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। बिल्कुल भी इसमें ना ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, एक बात का ध्यान रखिएगा। फिर किसी सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका ये जो बोर्ड है गंदा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। दोस्तों, गैस हम सबके घर में यूज़ होती है। गैस सिलेंडर का यूज़ हर घर में खाना बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से गैस इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है ना, तो इसे बचाने के ना कई तरीके हमें आजमाने चाहिए, ताकि हमारी गैस कम से कम खर्च हो, बिल्कुल फालतू खर्चा ना हो। जो सिलेंडर आपका एक महीना चलता है, कम से कम वो सिलेंडर आपका डेढ़ या दो महीना तो चलना ही चाहिए। अच्छा, गैस ख़त्म होने वाली है, इसको पता लगाने के हमारे पास कई तरीके होते हैं, जैसे कि गैस की फ्लेम का चेंज होना। वैसे तो गैस का रंग नीले कलर का होता है जब इसे ऑन करते हैं, लेकिन जब ये खत्म होने वाली होती है तो उसका रंग लाल या फिर पीला हो जाता है। लेकिन आज मैं मेडिसिन का एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसके बाद कई लोग ना मेडिसिन जब एक्सपायर हो जाती है, ख़राब हो जाती है या नहीं भी होती है तो ऐसे ही फेंक देते हैं, उसके रैपर को भी ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप फेंकने से पहले इसका यूज़ कर लीजिए, और अगर फेंक देते हैं तो बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। तो यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको एक कटोरी में पानी ले लेना है, और इसमें इसके अंदर हमने डालनी है पैरासीटामोल, और थोड़ा सा डालना है इसमें हमने सर्फ, जो कि कपड़े धोने वाला सर्फ होता है ना वही, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ विनेगर। विनेगर आप कोई सा भी ले लीजिए, वाइट वाला है तो वाइट वाला ले लीजिए। इसको डालते ही इसके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाता है और काफ़ी सारे बबल्स उठने लगते हैं। इसको अच्छे से मेडिसिन के साथ बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इसके बर्नर को निकाल लीजिए। हमारी जो गैस घर में यूज़ होती है, बर्नर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसी में से गैस की फ्लेम निकलती है। और कई बार जब इसमें गंदगी जमा हो जाती है, इसमें ब्लॉकेज आ जाती है, कई बार चाय बनाते वक्त चाय उबाल आ जाती है, इसके छेद बंद हो जाते हैं, दूध की वजह से भी छेद इसके बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो गैस की फ्लेम है छेदों से जब नहीं निकल पाती है तो साइड से धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाती है। तो इससे भी आपके गैस की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर आपको लगे कि गैस के जो फ्लेम है वो ठीक तरीके से नहीं निकल रही है, इसके बर्नर के छेद बंद हो गए हैं, तो कई बार हम सुई का यूज़ करते हैं, तो सुई का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आपको सुई को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके फ्लेम ठीक से निकलेगी तो इसके छेद सही तरीके से खुले होंगे, तो गैस भी सही तरीके से निकलेगी, और कहीं से भी निकलने का कोई फालतू रास्ता नहीं होगा, जिससे जो आपका सिलेंडर ठीक तरीके से नहीं चलता है, क्योंकि गैस कई बार जब ऐसे ही फालतू निकलती है ना साइड से, तो सबसे ज़्यादा खर्च होती है। हम जो गैस ऑन करके यूज़ करते हैं उससे भी ज़्यादा खर्च होती है गैस जब इस तरीके से फालतू जगहों से निकलती है। अच्छा, इस मेडिसिन को यूज़ करने का एक दूसरा तरीका ये है कि जो हमारे गैस के बटन होते हैं, कई बार आपने देखा होगा ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, इनके अंदर गंदगी जमा हो जाती है, इस वजह से भी कई बार ये टाइट हो जाते हैं। तो
सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा, गैस के चूल्हे के ना आप जरा इन बटन को देखिएगा, एक बार देखिएगा कितना ज़्यादा इसके अंदर खाने पीने की चीज़ें, आटा वगैरह फंसा होता है। इसको सबसे पहले तो साफ़ कर लीजिए। और गैस के जो ये बटन्स हैं देखिएगा, अगर टाइट है तो इस पर थोड़ा सा ना आप सरसों का तेल डाल लीजिए और गैस की इस नोब को ना अच्छे से एक बार बटन को घुमा लीजिए, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ये काम करेगा और बिल्कुल लूज़ हो जाएगा। दोस्तों हम सब के घर में ना ये बेकार पड़े हुए दिए तो अक्सर होते हैं, नए या पुराने दिए तो हम अक्सर यूज़ करते हैं, कभी किसी फेस्टिवल में यूज़ करते हैं, कभी किसी पूजा में यूज़ करते हैं, लेकिन जब इनका काम खत्म हो जाता है और हम यूज़ नहीं करते हैं तो फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो क्यों ना इसका भी यूज़ किया जाए घर के ही किसी काम के अंदर। तो सबसे पहले आपको गैस को ऑन कर लेना है और इस दिए को जो मिट्टी का है इसे अलट पलट के चिमटे की मदद से पकड़ लीजिएगा और सेक लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स तक आपको इसको थोड़ा सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ध्यान रखिएगा। और इसको डायरेक्ट हाथ से छूने की गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इस टाइम पर ना ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आपको इसका यूज़ कैसे करना है। इसको ना आप थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ठंडा हो जाए, बस आप हाथों से इसको छू सके पकड़ सके इतना ही आपको इसको ठंडा करना है। मतलब पानी नहीं डालना है आपको, ये ऑटोमेटिक अपने आप ठंडा होना चाहिए। उसके बाद आपके घर के अंदर जो चाकू है जो आप किचन में यूज़ करते हैं, या फिर आपके पास कैंची है, या फिर कद्दूकस है, कद्दूकस करने के लिए ग्रेटर जो हम यूज़ करते हैं, उन सभी चीज़ों को जिन चीज़ों पर धार लगाई जाती है, सबसे पहले आप दिए को गर्म कर लीजिए और अच्छे से आपके इन सारी चीज़ों पर घर बैठे बैठे बिना एक रुपया खर्च किए आराम से धार लग जाएगी। बस ध्यान रखिएगा दिए को आपको थोड़ा गर्म करना है, क्योंकि गर्म करने के बाद ना बहुत जल्दी से इन चीज़ों पर धार लग जाती है। तरीका आपको बिल्कुल ऐसा ही आजमाना है जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। कद्दूकस के लिए अगर धार लगानी है तो इस तरीके से दिए को थोड़ा सा ग्रेट कर लीजिए, ऊपर की तरफ से भी जहाँ से ग्रेट करते हैं और नीचे की तरफ से भी, यानी दोनों तरफ से आपको ग्रेट कर लेना है और इस कद्दूकस पर भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से धार लग जाएगी। तो यानी आपका जो बेकार पड़ा हुआ दिया है जो इसका आप यूज़ नहीं करते, वो भी आपका कितने काम का है वो आपको इस वीडियो को देख के समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे हाथों की, हमारे हाथों की जो उंगलियां होती हैं, कभी आप ध्यान से देखिएगा, कई लोगों को ना हाथों से खाना खाना पसंद होता है, चम्मच का यूज बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि हाथों से जो देसी स्टाइल होता है ना उसका स्वाद ही अलग होता है खाना खाने का। लेकिन खाना खाने के बाद ना हमारे जो नेल्स होते हैं ये पीले पड़ जाते हैं, आप सबने इस चीज को जरूर नोटिस किया होगा। उसके लिए हम साबुन से तो हाथ धो लेते हैं, लेकिन फिर भी नेल्स हमारे पीले ही रहते हैं, साफ नहीं होते। या फिर अगर खाना की वजह से पीले नहीं हुए हैं, वैसे ही थोड़े गंदे से हो गए हैं, मतलब नेल्स का जो एक लुक होता है ना साफ सुथरा वो नहीं आता, तो आपके घर में जो कोलगेट का पेस्ट आप दांत साफ करने के लिए यूज करते हैं, थोड़ा सा आपको कोलगेट का पेस्ट आपको लेना है और अपने नाखूनों के ऊपर लगा लेना है, और कुछ यूज नहीं करना, सिर्फ पेस्ट आपको लगाना है। और कम से कम ना 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, 5 मिनट नहीं छोड़ सकते तो कम से कम 2 मिनट तो रखिए ही रखिए। उसके बाद कॉटन की मदद से आप इसको अच्छे से साफ कर लीजिए, मैंने यहाँ पर कॉटन पे पानी बिल्कुल भी नहीं लगाया है, तो आप कॉटन की मदद से साफ लीजिए, बाद में आप पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। आपको दोनों नेल्स में, यानी दोनों हाथों के नेल्स में आपको फर्क अभी दिख जाएगा कि दूसरे हाथ के नेल्स आपको बिल्कुल गंदे से दिखेंगे और लेकिन इस हाथ के नेल्स आपको बिल्कुल साफ सुथरे दिखेंगे। अगर आपके नेल्स में किसी तरीके का पीलापन है, चाहे किसी भी वजह से है, कई बार नेल पेंट लगाते हैं ना तो उसका भी पीलापन रह जाता है, तो उसकी वजह से भी जब नाखून पीले होते हैं तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों नेल्स में कितना ज़्यादा फर्क है, एक हाथ के नेल्स बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी ऐसी कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिनका यूज़ अगर आप करते हैं तो आपकी डेली लाइफ बेहद आसान होती है, आपके घर के छोटे छोटे जो मुश्किल काम है वो बेहद आसान तरीके से हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ कल आपसे फिर ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।